नमस्कार दोस्तों, आप सभी फ्लू सीस्टाजोनाले जो सीजन वाले इटली के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेकर जानकारी चाहने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि सभी को पता है कि इन पेपर में अभी देरी हो रही है सरकार की तरफ से, और इस देरी के लिए आप और हम ही चिंतित नहीं हैं, बट इटली की जो एग्रीकल्चर एसोसिएशन है, जो इटली की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर एसोसिएशन है कोल दी रेती, वो भी इसके लिए काफ़ी चिंतित है। और उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही सरकार को चेतावनी भी दी है, उनसे आग्रह भी किया है कि कृपया सीजन वाली जो फ्लूसी है, फ्लूसी स्टाजोनाले है, उसकी जल्दी से जल्दी डेट फिक्स की जाए। जो क्लिक डे है, जिस दिन हम यहाँ से फॉर्म भर के भेज सकते हैं, उस दिन की जल्दी घोषणा की जाए, क्योंकि यदि इसमें और देरी होती है तो उससे एग्रीकल्चर में काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। क्योंकि इस एसोसिएशन का कहना है कि अभी जो सीजन में एग्रीकल्चर में काम बढ़ता है, ज़्यादा काम होता है, उसमें ये सीजन वाली फ्लूसी है, ये ही उनके लिए एक जीवनदायिनी चीज़ है, क्योंकि उन्हें पूरे वर्ष के लिए किसी को कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं रखना पड़ता, बल्कि कुछ समय के लिए जब उनके पास में काम ज़्यादा होता है तो वो उन्हें इस फ्लूसी के ज़रिए बाहर से ले आते हैं और अपना काम कर लेते हैं। इसमें देरी होने से उनकी इस सारी खेती पर और टूरिज्म का भी जो व्यवसाय है उस पर भी काफ़ी असर पड़ने जा रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे एग्रीकल्चर फार्म हैं जो हर वर्ष कुछ लोगों को यहाँ पर बुलाती हैं और अपना काम करवा लेते हैं। जैसे मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन महीनों में खेती का काम बहुत ज़्यादा होता है, और उसी समय पर टूरिज्म का भी काम खूब हो जाता है। समुद्र पर जो है सैलानी आने लग जाते हैं तो वहाँ पर भी काम बढ़ जाता है, तो उससे इटली में मैन पावर की थोड़ी कमी हो जाती है, लोग आसानी से मिलते नहीं हैं, बहुत से लोग छुट्टियों पर चले जाते हैं, तो हर कोई अवेलेबल नहीं होता काम करने के लिए, और ऐसे में काम करने वालों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके लिए यहाँ की सरकार ने जो ये फ्लूसी स्टाजोनाले है, सीजन वाली फ्लूसी जिन्हें हम सीजन वाले पेपर बोलते हैं, उसका जो सिस्टम निकाला वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इनमें देरी होने की वजह से फिर वो आदमी आए लेकिन वो समय पर नहीं आ पाए तो उनका काम तो नहीं हो रहा ना। जैसे मान लो कि आज खेती में टमाटर की फसल तैयार हो गई और टमाटर ही तुड़वाने हैं, लेकिन टमाटर तो आज फसल तैयार हो गई ना, यदि आदमी आदमी तो हमें आज चाहिए, वो यदि एक महीने बाद में आएगा तो उसका करेंगे क्या, टमाटर तो सारे गल जाएंगे तब तक। ऐसे ही फ्रूट भी हैं, उनके लिए भी ज़रूरत होती है, टूरिज्म में जो हैं उनको भी ज़रूरत होती है। तो इसीलिए जो इटली की सबसे बड़ी एसोसिएशन है कोल दी रेती, उन्होंने सरकार को इस बारे में लिखा है कि जल्दी से जल्दी क्लिक डे की घोषणा की जाए, ताकि समय पर बाहर से लोग आकर के, इमिग्रेट्स है वो आकर के, और ये अपना काम कर सके और लोगों को भी राहत मिले। यदि कोल दी रेती ने अपने जो सरकार को लिखा है उसमें कहा है कि ऐसा नहीं होने से फिर जो हम बोलते हैं यहाँ पर ब्लैक जॉब, लवोरो नेरो, इलीगल का तरीके से काम करना, वो बढ़ने की संभावनाएं हो जाती हैं, क्योंकि खेती का जो जिसका धंधा है उसे तो आदमियों की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा। यदि फ्लूसी की डेट आ जाती है, समय पर आदमी आ जाते हैं, तब तो वो उन्हें ले लेगा और उनका लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेगा, लेकिन यदि ये नहीं हो पाता है तो फिर लोग फिर इलीगल तरीके से इटली में आएंगे और वो काम करेंगे, तो उससे सरकार को भी नुकसान ही है। पहली बात तो कि इलीगल लोग आएंगे, दूसरा है कि वो काम करेंगे, पैसे भी कमाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देंगे। इसीलिए कोल दी रेती का कहना है कि आप जल्दी से जल्दी क्लिक डे की घोषणा कीजिए ताकि लोग यहाँ पर आ सकें। तो ये आप सभी भी जो फ्लूसी की डेट का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए कह सकता हूँ कि एक थोड़ा
अच्छा पॉइंट है या राहत की बात है कि केवल आप ही नहीं, इटली की जो एसोसिएशन है एग्रीकल्चर की, वो भी इसके लिए चिंतित है और वो सरकार को अपनी तरफ से बार बार चेतावनी भी दे रही है। लेकिन फिर भी ये देरी हो रही है, तो इसका एक कारण ये भी है कि जैसे जब साल्विनी ने, मिनिस्ट्रो जो इंटेरनो है, उन्होंने जब ये घोषणा की थी कि हाँ इस बार भी हम फ्लूसी स्टाजोनाले है वो खोल देंगे, खोल रहे हैं, तो उन्होंने कुछ बातें उसमें कही थी कि लेकिन इस बार हम कुछ शर्तों के आधार पर इसे खोलेंगे। तो हो सकता है कि जो ये सारी देरी हो रही है वो उन्हीं शर्तों को थोड़ा तैयार करने में, कि किस तरीके से क्या कंडीशन वो लगाएंगे, उसमें देरी हो रही होगी। लेकिन वो तो हमें तभी पता चलेगा जिस दिन सरकार अपने गजेट ऑफिशियले है, जो इनका ऑफिशियल पेपर है, उस पर लिखित में ये आदेश दे देगी कि इस दिन फॉर्म जमा हो सकते हैं। उस दिन वो सारी डिटेल हमारे सामने आ जाएंगी कि क्या क्या उसमें बदलाव किए हैं गवर्नमेंट ने। जैसे एक तो सबसे बड़ा बदलाव इस साल यही हो गया कि फॉर्म जो पहले हम भेजते थे वो एक नॉर्मल ईमेल आईडी से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, मिनिस्ट्रो इंटरनो जो वेबसाइट है उस पर, और वहाँ से आप फॉर्म भेज सकते थे। लेकिन इस बार इसमें एक थोड़ा सा बदलाव कर दिया कि ईमेल से रजिस्ट्रेशन करने की बजाय उन्होंने एक स्पीड का सिस्टम लगा दिया है, जो कि डिजिटल आईडी है, उसी के जरिए केवल आप फॉर्म भेज पाएंगे। तो ये परिवर्तन तो एक हो ही गया। इसके बारे में वैसे मैं आपको विस्तार से वीडियो बना करके और पूरा प्रोसेस है वो समझा दूंगा, जैसे ही तारीख आ जाती है उसके बाद में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी दे दूंगा, कैसे आईडी बनानी है, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे भेजना है, पूरा आपको वीडियो इलस्ट्रेटिव बना करके और आपको समझा दूंगा। बने रहिए चैनल पर, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक दूसरे दोस्तों को कहें, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। आपके जो भी सवाल हैं, जो भी आप जानना चाहते हैं इसके संबंधित, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके सभी कमेंट पढ़ता हूं, उनका जवाब उसी दिन या तुरंत देने की पूरी कोशिश करता हूं। धन्यवाद।